वेलकम बैक। अब हमारे साथ कीड़े नॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़े जुड़ गए हैं। आज जानते हैं उनके बोल्ड और रॉकेट कॉल। सुशील, गुड मॉर्निंग। आज की बोल्ड कॉल्स या रॉकेट कॉल से शुरुआत करते हैं, क्या होगी आज की बड़ी बिग कॉल? ठीक है अनुज, जब जिस तरह की अनिश्चितता बाजारों में दिखने लग गई, पिछले मंगलवार को भी हड़कंप मचा, आज भी थोड़ा ऊंच नीच है, तो एक सावधानी की टोन में पहले रखना चाहूंगा। ये जो सो कॉल्ड रॉकेट कॉल्स है, ये क्षणिक है, आज के बाजार के लिए है इस तरह के, अगले महीने दो महीने के खेल है, और इन स्टॉक्स में ज्यादा अनिश्चितता इसीलिए इनकी चार्ट्स इतनी जोर से ऊपर नीचे दोनों तरफ चलती है, तो साइज को लिमिट में रखें आपके निवेशक। पिछले कुछ दिनों में हमने दो नए रॉकेट कॉल्स अपने सब्सक्राइबर्स को दिए हैं। एक आपको मैं दिखाऊं ये चार्ट, ईज माई ट्रिप की, जो ये रही चार्ट, देखिए आप ये ईज माई ट्रिप में जो अब ये टर्मिनल ट्रायंगल बन के ब्रेकआउट आ गया है, हम इसको अब करीब करीब 90-95 तक के लिए खेल रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक हमने रखा है रॉकेट कॉल्स की कैटेगरी में अपने सब्सक्राइबर्स के सामने पिछले कुछ ही दिनों में, वो है धानी सर्विसेज। लॉन्ग रन में हो सकता है इसका भाव 150 भी हो जाए, पर अगला स्पर्ट खेलने के लिए 40-70 तक की चाल, और क्या पता थोड़ा करेक्शन देने के बाद ही 80 तक चला जाए। ओके, चलिए ये हो गई दो बिग बड़ी कॉल्स। सुशील, मैक्रो व्यू काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है आपका, गोल्ड और क्रूड दोनों पर अपना व्यू दीजिए इस समय। देखिए गोल्ड पे जो हम पिछली बार हंसी मजाक में कह गए थे कि अपनी अपनी बीवियों से कह दो दिवाली तक हम इसको 20% नीचे लेंगे, अब उन्हें जाके कह देने का समय आ गया है कि 20% नहीं घट रहा, जितना घटना था गोल्ड घट गया। अब गोल्ड में एक नया बाई सिग्नल है और ये गोल्ड अब मुझे न्यू हाई तक भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए हम $2200 को ध्यान में रखते हुए एक बार सौदे बिठाते हैं, और क्या पता वहां पे भी सेल ना आए। तो गोल्ड में एक तरफा तेजी अगले महीने 1.5-2 महीने के लिए, और दूसरी तरफ क्रूड पे एक बड़ा घातक कॉल है, और मैं चाहूंगा कि मैं एक चार्ट आपको दिखा सकूं क्रूड की MCX टर्म्स में, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ MCX पे इसका व्यापार करते हैं। क्रूड के अंदर देखिए एक रिवर्सल बन गया है, ये ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बन के आज का जो गैप डाउन है ये असाधारण है, ये कोई साधारण चाल नहीं है। और मुझे क्रूड अब जो चाल नीचे की शुरू हो गई है 7470 वाला 6400 तक करीब आता हुआ दिखता है, पर ये 10% की डिक्लाइन जो है इसको लेके सेलिब्रेट करना अनुचित हो जाएगा। इसके बाद क्रूड पर हमारा एक बड़ा ही अजीब सा कॉल लोगों को लगेगा। मुझे लगता है क्रूड 6400 वाला सीधा 12000 तक भागेगा 6-8 महीने में, करीब करीब डबल हो जाएगा ग्लोबली, यानी $150 तक की चाल बन सकती है। इसको भविष्यवाणी कहना बिल्कुल गलत होगा, तैयारी कीजिए, और इस तरह की घटना कोई बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट के बिना शायद नहीं होगी। क्या पता अफ्रीका का वॉर का थिएटर रशिया के साथ साथ अब और बड़ा हो जाए, या कोई और घटना घटेगी, पर क्रूड की चार्ट्स बता रही है कि ये अगला 10% ट्रैप है मंदी करने के लिए, और उसके बाद बहुत खतरनाक तेजी क्रूड में आने की संभावना है। सुशील जी, अगर आप ट्रेड मतलब इतना कन्विक्शन रखते हैं क्रूड पर, ऑलमोस्ट यहां से डबल होने की ट्रेजेक्टरी पर आप बिलीव करते हैं, तो अभी नहीं 10% शॉर्टिंग का व्यू क्या है? हाँ जी, ओके। अच्छा, ONGC, HPCL, BPCL, IOC, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे व्यू क्या है आपका? ये आज भी इतने घटे हुए बाजार में BPCL ने जो भी नीचे गैप डाउन दिया, अगर आपका PCR इस चार्ट को दिखा पा रहा है, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख रहा, तो BPCL में हमारा बहुत ही धुआंधार बाइंग का कॉल है, हमारे सब्सक्राइबर्स लोडेड है BPCL पर, सिमिलरली HPCL पर भी। अब ये जो चेन्नई पेट्रो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो गया, चेन्नई पेट्रो 480 भी चला जाएगा तो इंट्राडे में 5-5% घट जाता है, तो MRPL सेफर बेट है। ONGC एक्सट्रीमली ओवरबॉट है इस वक्त, अगर ये 20-25 रुपया नीचे आ जाता है तो उसको निवेश करके बैठना हमें उचित लगता, और अगर ये क्रूड की थीसिस राइट हो गई तो साल भर में अगर ONGC 400 हो गया तो बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए अभी के अभी बाइंग करनी नहीं, पुल बैक में लेना है ONGC को। ओके, ONGC और BPCL पे, IOC पे आपने व्यू समझा। अच्छा, ये आपके आज इस कार्यक्रम में आने से पहले, मतलब मंगलवार से पहले और बीते मंगलवार के बाद, इस एक हफ्ते में या फिर 4 सेशंस में, सुशील जी, PSU बैंक्स में बहुत तेजी रही, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, आपने PSU बैंक्स में क्या किया और अभी भी आपकी किस PSU बैंक पे नजर है? देखिए 2020 में जब हमने PSU बैंक्स में 810 बैगर का कॉल निकाला था तो हम उपहास के पात्र थे, 2021-22 में भी जब हमारे क्लाइंट्स दबोचते रहे उन्हें, तो हम तो इतने नीचे के लेवल से बैठे, और हमने 2023 की भी फर्स्ट क्वार्टर में बहुत इसमें तेजी करी, तो हम तो इस भाव में फंसेंगे नहीं।
हम इस ताक में है कि कैसे इनमें रिवर्सल आए, तब तक हम भागने दे रहे हैं। रिवर्सल आते हम दे मारेंगे और 30 से 35% नीचे वापस लेंगे चार्ट्स के अनुसार। मैं अपना कभी कोई मत नहीं रखता, जो मेरी चार्ट्स मुझे कहती है बेहिचक मैं कह देता हूं। तो अब सारी दुनिया को पीएसयू बैंक में तेजी करनी है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एवरेज बिगड़ेगा, और जब सारे लोग गर्म होंगे तो हम थोड़ा नरम हो जाएंगे, मिल जाएगा हमें वापस नीचे, यही हमारी धारणा है। ओके अच्छा, एक और मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, एक और आपका बड़ा व्यू बन रहा है येन को लेकर। सुशील, यस जरा उस पर भी अपना व्यू दीजिए, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? अनुज, यहां दो बातें हैं, दो अलग टाइम फ्रेम पे। जनरली डॉलर इंडेक्स के अंदर जो बाकी की 6 करेंसियां हैं जिनके सामने डॉलर की इंडेक्स बनती है, उसमें से येन को छोड़ के बाकी 5 करेंसी करीब करीब एक तरफ चलती है और येन उसके उल्टा चलता है। यानी अगर डॉलर बाकी यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन करेंसी के सामने अगर स्ट्रांग होता है तो येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो येन और कमजोर हो जाता है। यानी स्पॉन्ज है येन डॉलर की तेजी मंदी को संभालने के लिए, बैकअप है। पर इस बार कुछ ऐसी चार्ट्स बन गई हैं कि न सारी बाकी की 6 करेंसियां येन भी एकदम एक साथ शिखर पर है, और डॉलर इंडेक्स में मुझे बड़ा सेल ऑफ आते लग रहा है, इस साल का एक नया लो आ जाए। तो अगर अगले 1-1.5 महीने में ये हो गया तो जो भी ये हिचकोले बीच बीच में निफ्टी देगी 500, 600, 700 पॉइंट के, या बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट का झटका दे सकती है, बेहिचक मंदी इंडेक्स पे करने का रणढंग डॉलर इंडेक्स को देखते हुए अगले 1.5 महीने के लिए नहीं बन रहा। पर अगर मैं 1 साल का व्यू ले पाता हूं तो येन की चार्ट बहुत ही घातक है कि 150 येन 1 डॉलर के बराबर अगर साल भर में 10 महीने में 100 भी हो गया तो हम अचंभित नहीं होंगे, वो सेल कॉल आ चुका है, उसको टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। तो येन की एक खासियत ये है कि इतने कम ब्याज दर पे पूरे दुनिया को चीपेस्ट फंडिंग सप्लाई करने का केंद्र है येन। येन कैरी ट्रेड के बारे में आजकल बातें कम होती हैं, तो अगर इस तरह की एक तरफा चाल येन में आ गई 8-10 महीने के लिए तो संसार में एक बहुत बड़ा फिनेंशियल रिस्क ऑफ बन सकता है। तो अगले 1-1.5 महीने की तेजी को बी ग्रुप में संभाल के खेलना है। नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कीजिए, एक्सपोजर को मेंटेन कीजिए कि 5% मार्केट बढ़ गया तो 5% माल बेच लीजिए, ये हमने अपने निवेशकों को समझाया है, और बाकी सब अपना देख देख के करें। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है तो इसके लिए इस चर्चा को हमको यहीं समेटना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अगले ट्यूसडे फिर बात करेंगे आपके साथ, और अब यहाँ पर इस शो को समेट देते हैं और मार्केट एट डेज लो।